मंच पर विराजमान मेरे बगल में बैठे हुए बी एन तिवारी जी प्रकाश उपाध्याय टी पी अग्रवाल जी जिन्होंने बहुत प्यारे शब्दों में अभी अभी कथन किया वो भगवती जी राकेश मौर्या राजू श्रीवास्तव जी दिनेश चतुर्वेदी दीपक चौधरी इम्तियाज हुसैन साहब जगदीश अन्ना जिन्होंने मेरी मुलाकात संजू से कराई वो मेरे बाल सखा विजय कड़ेस्कर अपने यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी राधेश्या्याम द्विवेदी सुरेंद्र मिश्रा प्रदीप सिंह सीताराम गुप्ता प्रकाश चौधरी नाम तो बहुत है लगभग दिखता है मंच में ही लगभग 200-300 लोग बैठे हुए हैं किसी का अगर रह गया हो तो क्षमा चाहता हूं आज मैं कोई बड़ी लंबे भाषण के मुद्रा में नहीं हूं भाषण के प्रारंभ में केवल इतना ही कहूंगा अगले वर्ष फिर अपना कार्यक्रम 26 जनवरी को होगा और उस कार्यक्रम में मेरा प्रयास होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में आएंगे और जो मेरा मजदूर भाई हाथ में हथौड़ा लेकर के किसी फिल्म का सेट बनाता है मेरा मजदूर भाई हाथ में केटली लेकर के किसी आर्टिस्ट को उस सेट पर चाय पिलाता है मेरा मजदूर भाई वहां पर लाइटमन का काम करता है मेरा प्रयास होगा यूनियन का चेयरमैन के नाते कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मेरे मजदूरों की पार्ट यहां आकर के थपथपाए भगवती जी ने कहा कि अकाउंट कोई भी आकर के देख सकता है हंड्रेड परसेंट कोई भी आके देख सकता है सिर्फ आकर के दिखाओ मैं लीगल मेंबर हूं तुमको अपने कार्यालय में पूरा अकाउंट देखने को मिलेगा ऐसा होगा नहीं गलती से आगे पीछे हो गया घाटकों पर मैं मेरा कार्यालय वहां बैठता हूं आर सिटी मॉल के पीछे कभी भी संडे के दिन आओ विश्वास के साथ बताता हूं जो लीगल मेंबर है उस मेंबर को जब भी चाहे अपने यूनियन के कार्यालय में आए और कार्यालय में आकर के अकाउंट देखे और अकाउंट देखने के बाद दो चार कुत्ते भोंक रहे हैं उन कुत्तों से जाकर के कह दे कि कुत्तों के दहाड़ने से शेर डरा नहीं करता यह उनको बता दे मेरे नाम के आगे डैशिंग जुड़ा है उसकी कहानी अगर उनके समझ में नहीं आती तो उनको कहानी समझाने की आवश्यकता भविष्य में लगी तो जरूर उनको बताऊंगा उनको लगता होगा कि राम कदम ने पार्टी बदल गई थोड़ा राम कदम शांत हो गया भाई साहब प्रणाम तो उनको बता दो राम कदम ने पार्टी बदली है दिमाग नहीं बदला अगर सटका तो ध्यान में रखना किसी के बाप का मैं नहीं हूं अरे दस बीस लोग भी भाड़े पे ला करके वहां पे मोर्चा क्या ये क्या वो क्या टामकम का कद छोटा है पर किसी गरीब पर अन्याय हो तो उछल उछल करके पीटने को रामक्रम आगे पीछे नहीं देखते ऐसे दिलाया जाता है किसी सेट पर मेरा मजदूर भाई मर गया क्या करना चाहिए राम कदम ने और प्रोड्यूसर कह रहा था मैं दो लाख दूंगा चार लाख दूंगा मतलब पैर में कौन से जूते पहनता है उसने कहा मतलब बोला गधे उधर आकर के पीटेंगे तेरे को ऐसे पैसे मां आप मेरे मजदूर भाई के परिवार को दे उन पैसों से उसके बच्चों की परवरिश हो सके ऐसा अगर राम कदम ने बोला तो अच्छा किया क्या बुरा किया एक बात ध्यान में रखना मेरा खुद का सपना यह है मैं संजय श्रीवास्तव जी से बात कर रहा था मेरा अनुज है मेरा भाई है कि मेरा गए साल भी मैंने कहा था कि अपने वर्करों में से जो लोग घर गए किस कारण की वजह से जो नहीं आ सके उनको भी जाकर के कल सेठ पे बताना घर में बूढ़ी मां है बूढ़े पिता है बीवी बीमार है बच्चा बीमार है डॉक्टर ने कहा दो लाख रुपया खर्च है डॉक्टर ने कहा पांच लाख रुपया खर्च है बीवी के गहने गिरवे मत रखना गांव का खेत मत बेचना खुद का फ्लैट मकान मत बेचना तुम सोचोगे फिर कैसे होगा बीमारी का इलाज अरे खुद की कॉलर टाइट करके हक से रामकम के पास आना राम तुम्हारे मां बाप को खुद के मां बाप समझ करके उनका जो भी बीमारी का काम है करके देगा मेरा प्रयास है कि मेरे मजदूर भाई का बच्चा पढ़ने के लिए एक दिन अमेरिका जाए और उसके लिए अपनी यूनियन उसको मदद करे कब तक लेंगे हाथ में हथोड़ी हम स्टूडियो सेटिंग का काम करते हैं हम लाइटमन का काम करते हैं पर मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे भविष्य में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्टर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अभिनेत्री इस रूप में हमारे यूनियन के मजदूरों के बच्चे भविष्य में बने इसलिए कोई भी अपने मजदूर का कोई भी आदमी बीमार होगा आज का 26 जनवरी का सूरज ढलने के बाद कल 27 जनवरी का सूरज जब उगेगा तो अपने यूनियन के ऑफिस में एक बोर्ड लग जाएगा कि अपने अलाइड मजदूर यूनियन के किसी भी लेबर को कुछ भी घर पे बीमारी का प्रॉब्लम है तो उसको मेडिकल हेल्प करने वाला डेस्क कल सुबह से खुलेगा इसी अपने गोरेगांव के ऑफिस से और इस डेस्क की पूरी जिम्मेदारी अपने यूनियन के अशोक रमापति दुबे और विजय कड़सकर दोनों लेंगे मेडिकल डेज की जिम्मेदारी गए साल मैंने कहा था कि हम तिवारी साहब कि अपने मजदूरों के लिए एक हॉस्पिटल बनाएंगे बहुत इच्छा थी अपेक्षा थी एक जगह घाटकोवर में देखी एक जगह भांडुप में देखी एक जगह गोरेगांव में देखी हो नहीं सका पर प्रयास था कि हॉस्पिटल हो नहीं सका पर कम से कम मैं मेडिकल हेल्प का डेस्क शुरू करूं एंबुलेंस शुरू करूं इसके लिए आपके सबके सेवा के लिए कल सुबह से यह एम्बुलेंस अपने सबके लिए कार्यरत होगी यह अपनी यूनियन की उपलब्धि है जो दो चार इधर उधर घूम रहे उनको जाकर के समझा दो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है बड़ी सुंदर प्यारी सी कविता है टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा छोटे मन से कोई बड़ा उनको जाकर के कह दो हमारे यूनियन का और हमारे राम कदम साहब का दिल बड़ा है इधर उधर मत भागो आ जाओ हमारे साथ सब मिलकर के काम करेंगे